सुख चाहने वालों को विद्या और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख की चाह वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। जिसे कुछ जानने की इच्छा ही नहीं हो उसे कुछ भी पढ़ाना व्यर्थ होता है। जिज्ञासा सुन छात्र उस औंधे घड़े के समान होता है जो बरसते जल में भी खाली रहता है। परिश्रम के बल पर मंद बुद्धि छात्र भी योग्य शिक्षकों की कृपा से अच्छे हो जाते हैं, इसलिए छात्र को परिश्रमी अवश्य होना चाहिए। जो श्रम की बजाय सुख सुविधा आराम और विलास में रुचि लेता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह आधुनिक फैशन प्रस्ती, फिल्मी दुनिया या अन्य रंगीन आकर्षणों से बचे। विद्यार्थी को ऐसे मित्रों के साथ संगति करनी चाहिए जो उसी के समान शिक्षा का उच्च लक्ष्य लेकर चले हों। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस छात्र के चित्त में अपने ज्ञानी होने का घमंड भरा रहता है वह कभी शिक्षकों की बात नहीं सुनता। जो छात्र अपने अध्यापकों तथा अपने से बुद्धिमान छात्रों का सम्मान नहीं करता वह सफलता से कोसों दूर रहता है। छात्र के लिए अनुशासन प्रिय होना अति आवश्यक है। अनुशासन के बल पर ही छात्र अपने व्यस्त समय का सही सदुपयोग कर शिक्षकों के चहेते रहते हैं। मन चाहे गति से चलने वाले छात्र अपना समय इधर उधर व्यर्थ करते हैं, जबकि अनुशासित छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी समय निकाल लेते हैं। आदर्श छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल, व्यायाम और अन्य गतिविधियों में भी बराबर की रुचि लेता है। आदर्श छात्र वही है जो अपनी विद्या बुद्धि का उपयोग अपने तथा अपने समाज के विकास के लिए करना चाहता हो। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, विद्यार्थियों का जीवन लक्ष्य न केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना या स्वर्ण पदक प्राप्त करना है, अपितु देश सेवा की क्षमता और योग्यता प्राप्त करना भी है। विद्या विनम्रता देती है, विनयशील होने से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से सुख प्राप्त होता है, अर्थात विद्या से व्यक्ति के विवेक में वृद्धि होती है, सत्य असत्य का ज्ञान होता है, स्वभाव में विनम्रता आती है, वाणी में मधुरता आती है और कर्मों में कुशलता आती चली जाती है।